अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आइडियल एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश क्लास 7 का यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, द यंग बॉयज एडवेंचर, नौजवान लड़के की मुहिमजोई। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो प्री रीडिंग क्वेश्चन है वो देखेंगे, डिड यू एवर अंडरटेक एन एडवेंचर लाइक दिस बॉय, यंग बॉय, क्या आपने इस नौजवान लड़के की तरह कभी कोई एडवेंचर किया है? अगर आपने कोई एडवेंचर किया है तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। अगर नहीं किया तो आप कहेंगे नो आई हैव नो सच एक्सपीरियंस, अगर किया है तो आप लिखेंगे येस आई हैव सच एक्सपीरियंस। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई स्पेशली इंजॉयड, मैंने ख़ास तौर पर लुत्फ़ उठाया, बींग होना विद माई फादर, अपने वालिद के साथ, हूँ जो मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग कार्ल्ड कहते थे, हर्शल हर्शल, एन इंग्लिश एस्ट्रोनमर, एक अंग्रेज़ी खलानवर, मैं अपने वालिद के साथ रहकर बहुत खुश होता था, जिन्हें ज़्यादा लोग हर्शल कहते थे, एक माहिर फलकियात, ही कुड टर्न, वो बदल सके, वेरी सीरियस, बहुत संजीदा, एट टाइम्स, वक़्त पर, वो कई बार बहुत संजीदा हो जाया करते थे, बट मगर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वक़्त, ही वाज लाइट हार्टेड, वो नरम दिल रहते थे, मगर ज़्यादातर वक़्त वो नरम दिल थे, ही जोक्ड अलॉट, वो बहुत ज़्यादा मजाक किया करते थे, एंड मी एंड ही जोक्ड अलॉट, वो बहुत ज़्यादा मजाक किया करते थे, एंड मेड, और बनाया मी, मुझे, लाफ, हंसाना, वो बहुत ज़्यादा मजाक करते और मुझे हंसाते थे, इट ऑलवेज़ प्लीज्ड हिम, ये उन्हें हमेशा खुश करता था, व्हेन, जब ही सा, वो देखते थे, डैट ही सन, के उनका बेटा, वाज क्यूरियस अबाउट थिंग्स, के चीज़ों के मुतल्लिक मुतजस्सिस है, वो इस बात से हमेशा खुश होते के इनका बेटा चीज़ों के बारे में मुतजस्सिस था, ही ऑलवेज़ वांटेड, वो हमेशा चाहते थे, टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स हिमसेल्फ, खुद से नई चीज़ों को सीखना, एंड वुड गो आउट ऑफ हिज वे टू इन्वेस्टिगेट देम, और उनके बारे में तहकीकात मामूल से हटकर करते थे, वो खुद हमेशा नई चीज़ें लिखना चाहते थे और वो इनके बारे में तहकीकात मामूल से हटकर करते थे, आल दो, अगरचा, दी ग्लैन ग्लैन प्लम्बिंग कंपनी ग्रियू बड़ी इंटू अ सक्सेसफुल, एक कामयाब बिजनेस कारोबार में, ऑफ विच ही वाज द ओनर, जिसके वो मालिक थे, अगरचा ग्लैन प्लम्बिंग कंपनी एक कामयाब कारोबार बनी जिसका वो मालिक था, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही रिकनोगनाइज, उन्होंने जान लिया द लिमिटेशंस, कमी ऑफ हिज एजुकेशन, अपनी तलीम की, मेरा ख्याल था कि अपनी तलीम की कमी को जानते थे, ही वांटेड, वो चाहते थे, टू गेन, हासिल करना, मी, मुझे, द क्यूरियोसिटी, तजस्सुस एंड सेंस और समझ ऑफ अनबाउंडेड, लामहदूद पॉसिबिलिटीज़, मुमकिनात का, डैट कुड Only come from learning, जो सिर्फ तालीम से आ सकती थी, वो चाहते थे कि मैं तजस्सुस और लामहदूद मुमकिनात की समझ हासिल करूं जो सिर्फ तालीम से आ सकती थी, आई मैं ग्रियो अप, बड़ा हुआ, बींग, जाना, कार्ड, कहा, बुड कॉम्पल, मैं बड़ा हुआ और मुझे बुड कॉम्पल कहकर पुकारा गया, दिस समर मौसम सरमा, आई टर्न एट, मैं आठ का हुआ, डैड वालिद, टुक मी, ले गए मुझे, अलोंग अपने साथ, टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज को, मौसम गर्मा में जब मैं आठ बरस का हुआ, मेरे वालिद मुझे कैम्ब्रिज ले गए, वन डे, एक दिन, व्हेन ही वेंट, जब वो गए, टू चेक देखने के लिए, ऑन अ प्लम्बिंग जॉब, प्लम्बिंग की नौकरी के लिए, पूरी लाइन का ट्रांसलेशन करते हैं, मौसम गर्मा में जब मैं आठ वर्ष का हुआ, मेरे वालिद प्लम्बिंग की नौकरी देखने कैम्ब्रिज गए, तो मुझे भी साथ ले गए, इट वाज द टाइम, ये वो वक़्त था, ऑफ द ईयर, साल का, व्हेन, जब, विंड फ्लावर्स, खुदरो फूल, ब्लूम्ड, खिलते, ऑन द रोड साइड, सड़क के इतराफ, एंड इन द फार्म, और फार्म में, फील्ड्स, खेतों, कैटल, मवेशी, ग्रेज्ड, चरते, ये साल का वक़्त था जब सड़क के इतराफ खुदरो फूल खिलते और खेतों में मवेशी चरते,
ही चेकड इन ऑन द जॉब, उन्होंने काम पर देखा या काम पर हाजिरी दी। एंड और एज, जैसा कि वी ड्रोव, हम चले, पास्ट, गुजरे, अ ग्रास फील्ड, एक घास का मैदान, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, आउटसाइड, बाहर, ऑफ टाउन, कस्बे के। ही स्पॉटेड अ प्लेन, उन्होंने वहाँ पर एक जहाज देखा, देयर एंड वहाँ पर, एंड वी और हम स्टॉप्ड, रुके, उन्होंने काम पर हाजिरी दी। और जैसे ही हम एयरपोर्ट के बाहर घास के मैदान के पास से गुजरे, उन्होंने एक जहाज़ देखा और हम रुक गए। वी गो आउट, हम बाहर आए, ऑफ द कार, कार से, टू लुक, देखने के लिए, हम देखने के लिए कार से बाहर आए। अ मैन, एक आदमी, हैड, था, ऑन एन ओल्ड ओपन कॉकपिट, एक पुराने खुले कॉकपिट, बाइप्लेन, दो पंखों वाला हवाई जहाज़, एंड और ही वाज टेकिंग पीपल अप, और वो लोगों को ऊपर लेकर जा रहा था। एक आदमी के पास पुराना खुले कॉकपिट वाला दो पंखी जहाज़ था और वो लोगों को ऊपर ले जा रहा था। वी वर लीनिंग अगेंस्ट द कार, हम कार के सहारे खड़े थे, एंड वाचिंग हिम, और इसे देख रहे थे, हम कार के सहारे खड़े थे और इसे देख रहे थे। माई डैड, मेरे वालद, सेड, कहा, यू वॉन्ट टू गो अप बुड, मेरे वालद ने कहा, क्या बुड, तुम ऊपर जाना चाहते हो। आई अलमोस्ट डाइड, मैं तकरीबन मर गया, फ्लाइंग, उड़ना, वॉज अ ग्रेट एडवेंचर, एक बहुत बड़ी मुहिम थी। मैं तकरीबन मर गया, उड़ना एक अजीम मुहिम थी। एवरीबॉडी, हर शख्स, न्यू, जानता था, अबाउट, मुतल्लिक, चार्ल्स लिंडबर्ग्स, चार्ल्स लिंडबर्ग की, क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशन, बहरे ओकियानवस, फ्लाइट, परवाज, 2 ईयर अर्लियर, 2 साल पहले की। हर शख्स जानता था चार्ल्स लिंडबर्ग की 2 साल पहले बहरे ओकियानवस पर प्रवास को। वेन लिंडी, जब लिंडी केम होम, घर आया, द पेपर्स, अखबारात, हैड डिस्क्राइब्ड, बयान किए, ऑल द इवेंट्स, तमाम वाकयात को, इन द ऑर्डर, तरतीब से, इन विच दे हैपेंड, जो उन्हों के साथ गुजरे थे। जब लिंडी घर आया तो अखबारात, तमाम वाकयात को इसी तरतीब से बयान किया था जिस तरह वो पेश आए थे। डैड हैड रीड, वालद भी पढ़ चुके थे, ऑल अबाउट लिंडी, लिंडी के मुतल्लिक, वालद लिंडी के मुतल्लिक सब कुछ पढ़ चुके थे। व्हाट अ ग्लोरियस, क्या शानदार, एंड इंस्पायरिंग स्टोरी, और मुतासर कुन कहानी थी। डैड आल्सो, वालद भी, वांटेड, चाहते थे, टू फ्लाई, उड़ना, ओवर कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के ऊपर, सिटी, शहर, ऑन हिज वे, अपने रास्ते, टू कोलंबस, कोलंबस को। कितनी शानदार और मुतासर कुन कहानी थी। वालद भी कोलंबस जाते हुए कैम्ब्रिज सिटी के ऊपर से प्रवास करना चाहते थे। सून, जल्द ही, आफ्टर डैड, इसके बाद, वी वर, हम थे, ऑन अ फार्म, आउटसाइड, फार्म के बाहर, ऑफ टाउन, कस्बे, व्हेन अ सिल्वर प्लेन, जब सिल्वर जहाज़, फ्लाइंग, उड़ा, वेस्ट, मगरब, पास्ट, गुजरा, हीज ओवर हेड, उनके सर के ऊपर से। इसके बाद फौरन हम कस्बे के बाहर एक फार्म पर थे जिस जब सिल्वर रंग का जहाज़ मगरब से उड़ता हुआ हमारे सर के ऊपर से बुलंदी से गुजरा। आई हैड, मैं था, ऑलवेज, हमेशा, इमेजिन्ड, सोचना, इट वाज हिम, कि ये वो था, मैंने हमेशा तसव्वुर किया कि ये वो था। आई प्रोबेबली, मैं गालबन, वाज स्केयर्ड, डरा हुआ, एट द आइडिया, ख्याल, ऑफ गोइंग अप, ऊपर जाने के, बट देर वाज नाट, मगर वहाँ ना था, एनी डाउट, कोई शक, अबाउट, मुतल्लिक, इट, आई वाज टू डू इट, कि ये मैं चाहता था। ऐसा मुमकिन है कि मैं खौफज़दा था ऊपर जाने के ख्याल से, मगर इसके बारे में कोई शक ना था कि मैं ये करना चाहता था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड बी, ये होगी, द ग्रेटेस्ट थिंग, एक अजीम चीज़, डैट कुड एवर हैपन, जो मैंने हमेशा से की।
मैंने सोचा ये अजीम तरीन चीज़ होगी जो कभी वाकया हो सकती थी। डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं टू गेट सवार होना ऑन द प्लेन, जहाज़ पर। आई सेड, मैंने कहा क्या आप जहाज़ पर सवार होना चाहते हैं। आई श्योर डू, मैं यकीनन जाऊंगा, डैड रिप्लाइड, वालिद ने जवाब दिया। इन फैक्ट, दर हकीकत, इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं, वांट, चाहते, टू डू इट, इसे करना, आई एम गोइंग एनीवे, मैं हर सूरत जा रहा हूँ। दर हकीकत, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं हर सूरत जा रहा हूँ। सो यू बेटर, लिहाजा बेहतर है तुम कम आओ, अनलेस, जब तक, यू वांट टू सिट डाउन एंड वॉच, यहाँ तुम नीचे यहाँ बैठना और देखना चाहते हो, लिहाजा बेहतर होगा कि आप आ जाओ, या तुम नीचे बैठना देखना या तुम नीचे यहाँ बैठना और देखना चाहते हो। वी वॉक्ड, हम चले, ओवर टू द प्लेन, जहाज़ की तरफ, हम ऊपर जहाज़ की तरफ चले। इट वॉज़ बिगर, ये बड़ा था, देन मुकाबले, आई हैड थॉट, जो मैंने सोचा था। विद टू कॉकपिट्स, दो कॉकपिट, वन इन फ्रंट ऑफ द अदर, एक दूसरे के सामने, ये इस से बड़ा था जो मैंने सोचा था, दो कॉकपिट एक दूसरे के सामने। ही क्लाइम्ड इन टू द बैक सीट, वो पिछली नशिस्त पर चढ़े, एंड द पायलट, और पायलट हेल्प्ड मी अप आफ्टर हिम, और पायलट ने इनके बाद मेरी मदद की। वो नशिस्त पर चढ़े और पायलट ने इनके बाद मेरी मदद की। डैड वाज बिग, वालद बड़े थे, बट द सीट, मगर सीट वाज वाइड एनफ, काफ़ी खुली थी, फॉर द टू ऑफ अस, हमारे दोनों के लिए, एंड वंस अ ट्रैप, और एक पट्टी फिट लगी हुई अक्रॉस द बोथ, दोनों इतराफ। आई कुड बेयरली सी आउट, मैं वो मुश्किल से बाहर देख सकता था। वालिद बड़े थे, मगर सीट हम दोनों के लिए काफ़ी थी, और एक पट्टी हम दोनों के इतराफ फिट थी, मैं वो मुश्किल तौर पर बाहर देख सकता था। द पायलट पायलट गो इन फ्रंट, सामने गया, एंड रेव्ड, और रफ्तार बढ़ाई, द इंजन इंजन की, पायलट सामने गया और इंजन को स्टार्ट किया। वी बाउंस्ड डाउन, हम टकरा कर उछले, द ग्रास घास ट्रिप पट्टी, एंड देन वी वेयर अप इन द एयर, फिर हम ऊपर हवा में थे, हम घास की पट्टी से टकरा कर उछले और फिर हम हवा में ऊपर थे। द प्लेन, जहाज़ बैंगड उड़े, एंड और आई कुड लुक, मैं देख सकता था, स्ट्रेट डाउन, सीधा नीचे, हम नीचे घास की पट्टी पर उछले और फिर हम हवा में थे, जहाज़ सीधा था और मैं सीधा नीचे देख सकता था। वी फ्लू अराउंड कैम्ब्रिज, हम कैम्ब्रिज के गिर्द उड़े, अ कपल ऑफ टाइम, दो मरतबा, हम कैम्ब्रिज के गिर्द दो मरतबा उड़े। डैड कैप्ट, वालद ने जारी रखा, ट्राइंग, कोशिश, टू पॉइंट, बताना, थिंग्स, चीज़ों के, आउट, बाहर, टू मी, मुझे, बट आई कुड नॉट कैच, मगर मैं ना जान सका, हिज वर्ड, उनके अल्फाज, ओवर द साउंड, आवाज़ की वजह से, ऑफ द इंजन इंजन की, एंड रशिंग एयर, और तेज़ हवा की। वालद मुझे चीज़ों के मुतल्लक बताते रहे, मगर मैं तेज़ हवा और इंजन की आवाज़ की वजह से इनके अल्फाज ना समझ पाया। वी टर्न बैक, हम वापस मुड़े, एंड लैंडेड, और उतरे, हम वापस मुड़े और उतरे। व्हेन आई गॉट, जब मैं आया, आउट ऑफ द प्लेन, जहाज़ से नीचे या जहाज़ के बाहर, आई वॉज इलेटेड, मैं बहुत पुरजोश था, जब मैं जहाज़ से बाहर आया मैं पुरजोश था। आई कुड नाट गेट, मैं हासिल ना कर सका, द व्यू, मंजर ऑफ द स्का, मंजर ऑफ द स्काई, आसमान के, आउट ऑफ माई माइंड, मेरे जहन में, एंड द फीलिंग, और एहसास ऑफ बींग, होना, सस्पेंडेड, लटका हुआ, विदाउट फॉलिंग, बगैर गिरे, मैं अपने जहन से आसमान का मंजर और बगैर गिरे लटके होने का एहसास निकाल नहीं सकता था। वी हैड गॉन, हम गए, सो हाई, बहुत ऊपर, एंड एवरी थिंग, और हर चीज़, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, लुक्ड, दिखाई दी, सो स्मॉल, बहुत छोटी, लाइक द बिल्डिंग, इमारतें, एंड द ट्रीज, और दरख्त, इन द टॉय, खलौने, ट्रेन, ट्रेन, एंड सेट, यू हैड सी इन द स्टोर विंडो,
जो आपने किसी स्टोर की खिड़की में देखे हों। हम इतना ऊपर जा चुके थे और ज़मीन पर हर चीज़ इतनी छोटी नज़र आई जैसा कि खिलौना, रेलगाड़ी सेट में इमारतें और दरख्त स्टोर की खिड़की में आपको पड़े नज़र आते हैं। As we drove home, जो ही हम घर पहुँचे, Dad asked, वालद ने पूछा me, मुझे, if I had liked the flight, क्या मैंने प्रवास को पसंद किया। I told, मैंने बताया him, इन्हें, Dad I had, कि मैंने किया। He said, उन्होंने कहा, he had too, कि उन्होंने भी किया। He said, उन्होंने कहा, he wanted, वो चाहते थे, to see, देखना, what flying, क्या उड़ना, was like, किस तरह का है, ever since he had been, तब से जब वो in France, फ्रांस में थे, in World War I, पहली जंग अजीम के वक़्त, and had seen, और उन्होंने देखा, by planes, दो परों वाला जहाज, dog fighting, जहाज़ों की लड़ाई, over the lines, लाइनों पर। उन्होंने कहा कि वो देखना चाहते थे कि उड़ना कैसा था इस वक्त से जब पहली जंग अजीम में फ्रांस में थे उन्हों और उन्होंने दो परों वाले जहाज़ को लाइनों पर लड़ते देखा। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया लेटर बाद में डैड के इट वाज नॉट सिंपली कि ये महज ना था फन मज़ा फॉर हिम उनके लिए। मैंने बाद में महसूस किया कि ये इनके लिए सिर्फ मज़ा ना था। फ्लाइंग वाज प्रोग्रेसिव, उड़ना तरक्की करना था। जस्ट द काइंड ऑफ थिंग, ये वही चीज़ थी ही वुड हैव वांटेड टू एक्सपीरियंस, जिसका वो तजर्बा करना चाहते थे। सो लिहाजा ही कुड स्पीक, वो बोल सके विद अथॉरिटी हकाम के साथ अबाउट मुतल्लिक व्हाट इट फेल्ट लाइक, कि उन्होंने क्या महसूस किया, एंड जस्ट एज लाइकली व्हाट इट मीन्ड, और गालबन इसका यही मतलब था। उड़ना तरक्की करना था वही चीज़ थी जो वो तजर्बा करना था करना चाहते थे। बस वो इख्तियार के साथ कह सकते थे कि उसे कैसा महसूस हुआ, और गालबन इसका मतलब इसका यही मतलब था। His eagerness, उनकी बेताबी to experiment, तजर्बे के लिए, was one of the most important lesson, एक बहुत अहम असबाक थी of my youth, मेरी जवानी के तजर्बे के लिए। उनकी बेताबी मेरी जवानी के अहम तरीन असबाक में से एक थी। ओके, यहाँ पर जो रीडिंग है वो एंड हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें।